I like Ankita Lokhande as well. She also very nice. I don't like Isha. Why? Isha में क्या हो गया, मतलब क्यों नहीं पसंद आती आपको? कि उनके ex boyfriend भी है, current boyfriend भी है. What is she doing? Come on girl, she needs a reality check. What is she doing? People think her game is strong. That is my opinion, okay? अगर किसी को इस चीज़ का बुरा भी लगता है, it does not make any difference to me because that is my opinion. Her game is strong. Maybe that's her strategy. सबकी अपनी अपनी strategy होती है. I have no one to comment on it because मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है. And it's totally a different thing to stay in that house. It's not easy at all. But I just don't like the vibe. और अंकिता की बात करें तो अंकिता विकी में अभी एक रिसेंटली एक मोमेंट हुआ था कि वो विकी जी उनके हाथ उठा रहे हैं ऐसे स्लैप करने का ऐसे कोशिश किया उन्होंने. तो उस पर क्या कहना चाहूँगी क्योंकि ये हर घरों में सब देख रहे हैं, फैमिली शो है, तो आपको क्या लगता है? I wish that was Sushant instead of Bessie. I see, I have no one to comment on it. They are husband and wife. वो कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को मारे पीटे, that's their choice. बिल्कुल सही नहीं है ये चीज़, गलत है. बट या लाइक आई डोंट थिंक आई एम एनीवन टू कमेंट ऑन दैट. मुनव्वर की बात करें तो मुनव्वर की अभी फिलहाल मनारा, यस, एक्स गर्लफ्रेंड भी गई है और मनारा के साथ भी उनका स्टार्टिंग थोड़ा पी. आई लाइक मनारा एज वेल. एक्चुअली मनारा मेरी लेन में रहती है एंड मनारा को मैं काफ़ी टाइम देखती थी लाइक वॉक करते हुए रात के टाइम पर. सो आई लाइक मनारा ऑल्सो, शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी क्यूट एंड शी कम्स फ्रॉम सच अ गुड बैकग्राउंड लाइक from Parineeti and Priyanka Chopra and all of these people, but she's quite down to earth and she does not bring that thing in her thing ki oh main unki cousin hu ya relative hu ya whatever. So I really like that thing about her. And unki ex-girlfriend kya, first of all I don't know why is Big Boss doing that ya. Kabhi Isha ke ex-girlfriend bula rahe, kabhi Munawar ke ex-girlfriend bula rahe. I know aapko chalana hai apna show, I agree to it, but It's very controversial. क्योंकि सब ये भी कहते हैं कि अगर आपको बिग बॉस में जाना है तो माइंड से प्रिपेयर होके जाना है क्योंकि आप एब्सोल्युटली आपके पास के चीज भी आगे आएगी. आई डोंट नो हाउ माय पेरेंट्स वुड यू नो सी मी और इमेजिन मी इन द प्लेस ऑफ हूसोएवर एक्स वाई जेड, कि रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, यू नो ये सब सोचना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे. वी लिव इन सच अ सोसाइटी जहाँ हमें सोचना पड़ता है कि ओके हमारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. आई डोंट नो हाउ एक्स वाई जेड पेरेंट्स और व्हाटएवर मस्ट बी यू नो फीलिंग कि उनके बेटा या बेटी क्या व्हाटएवर दे आर डूइंग. सो या रिसेंटली ईशा ने ऐश्वर्या को ये किया नॉमिनेट, मतलब निकाल दिया है हाउस से, तो ऐश्वर्या से भी हमने बात की तो उनके लिए काफ़ी अनफेयर एविक्शन हुआ है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? इट्स एन अनफेयर एविक्शन. आई रियली लाइक दैट वुमन, शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी